हेलो गाइस, माय नेम इज शिप्रा उपाध्याय। मैं ज्योग्राफी की फैकल्टी हूँ सिंस लास्ट 5 इयर्स। सो आज के सीरीज में, जो कि सिर्फ 4 से 5 मिनट की होगी, वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। और मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से दो क्वेश्चन आपको 2024 के एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज वॉज अफार ट्राइंगल। नाउ अफार ट्राइंगल, मैं न्यूज आपको बहुत ही ब्रीफली बताऊंगी, राइट? आप लोकेशन याद रखिएगा। अफार ट्राइंगल इज इन अफ्रीका। बेसिकली इट्स एन डिप्रेशन, और ऐसा रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पर एक बहुत ही जल्दी एक ओशियन क्रिएट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट। ठीक है, तो तीन प्लेट्स के पास है ये, सोमालियन प्लेट, नूबियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट, राइट? हेयर इज योर रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन। ये पूरा अफ्रीका का पार्ट, इंक्लूडिंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका काचा थीवू आइलैंड। ये आइलैंड भी काफी न्यूज में था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले इसको श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया था, एंड श्रीलंका बोल सही कि नहीं, ये तो हमारा ही था। तो इसका लोकेशन देख लीजिए, इसका लोकेशन है बेसिकली पाक बे में, और आसपास इसके है पाक स्ट्रेट, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार, एंड यहाँ पर है रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार, सॉरी, रामेश्वरम आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को कनेक्ट करता हुआ हमारा राम सेतु। ऑलराइट, तो राम सेतु, इट्स मेड अप ऑफ लाइम स्टोन सोल्स। ठीक है, सॉरी, राम सेतु में यार। ऑलराइट, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निकिटिन सी माउंट। नाउ व्हाट इज सी माउंट? फर्स्ट, सी माउंट इज बेसिकली अ माउंटेन, राइट? एक्सटिंक्ट माउंटेन अंडर द ओशियन बेड। निकिटिन सी माउंट में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सी बेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट डाली है कि यहाँ पर हम यार कोबाल्ट के लिए हम यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज इन इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है आपका बारबेटॉन ग्रीन स्टोन बेल्ट, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट न्यूज है आपका ताइवान। ताइवान काफी ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, और ऐसे में रिंग ऑफ फायर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका भी काफी न्यूज में रहता है, राइट? जैसे कि अफार ट्राइंगल था, रिफ्ट वैली, इसको लेकर भी न्यूज में रहता है, और अफ्रीका का पूरा मैप इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लीजिएगा। फिर है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर इस साइड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, राइट? तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? बुल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। ठीक है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से बोफोर्स स्ट्रेट ज्वाइन करता है। ठीक है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से बोफोर्स स्ट्रेट ज्वाइन करता है। ऑलराइट, एक चीज और, मैप मैंने आपको जैसे ऐसे बता दिया, बट एक बार ये आप देखेंगे और याद हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं होगा। अभी एग्जाम को बहुत ही कम टाइम बचे हैं, तो बेसिकली आपको करना क्या है, मैप्स को दीवार पे पेस्ट कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट जो जो लोकेशंस हैं उनको मार्क करते चलिएगा, और डेली बेसिस पे आप मैप को सोते उठते खाते पीते वो एक नजर आप उस पर मार लीजिएगा। जैसे कि आप सोते उठते मोबाइल में रील्स चला लेते हैं, राइट? उसी तरीके से आप मैप भी सोते उठते आप एक बारी मैप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपके दो क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, है ना? सो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज।